क्वेश्चन नंबर 20। देखो बच्चों, इंटीग्रल आई किसके इक्वल दिया हुआ है हमें? इंटीग्रल आई क्या है? कॉस 2x, कॉस 2x अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू dx। बताओ जरा कैसे करेंगे? नीचे होल स्क्वायर भी है भाई, होल स्क्वायर लगाओ यहां पर। cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x। देखो डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x इस टाइप की टर्म आ जाए तो हमारे पास इसको इंटीग्रेट करने का कोई ऐसा मेथड तो नहीं होता है। सो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ, और उसके लिए फिर हमारे पास उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, क्या करें फिर इसमें बताओ जरा? ऊपर जो cos 2x है बच्चों, cos 2x की कुछ काफी सारी आइडेंटिटी होती है, चार आइडेंटिटी होती है cos 2x की, जिनमें से एक आइडेंटिटी होती है cos square x minus sin square x, सभी को पता आई थिंक। ठीक है, सो क्या करें? cos 2x को क्या लिख दें? cos square x minus sin square x अपॉन क्या है? cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड। बच्चों न्यूमरेटर में जो टर्म है इस पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करें तो ये क्या बनना चाहिए? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, करेक्ट? बताओ अगर हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करें सो ये क्या बनेगा? cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x। ठीक है, नीचे क्या है? cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। क्या हम एक पावर कैंसिल कर सकते हैं? क्या हम एक पावर कैंसिल कर सकते हैं? देखो नीचे cos x प्लस होल स्क्वायर, इससे एक पावर कैंसिल कर दी। एक पावर कैंसिल कर हो गई यहां से। आई क्या बनेगा बताओ? क्या बचा हमारे पास? न्यूमरेटर में बचा cos x माइनस साइन x, एंड डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? cos x, ये बचा हुआ है। दिस इज इक्वल टू अच्छा अब क्या करें बच्चों इसमें? आगे क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को टी ले लेते हैं। क्या करें इसमें? डिनोमिनेटर को टी अज्यूम कर लेते हैं। पुट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। थोड़ा राइटिंग वहां गड़बड़ हो गई बच्चों, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है वो। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को क्या ले लिया? सॉरी प्लस लेना पड़ेगा भाई डिनोमिनेटर में, क्योंकि प्लस है और डिनोमिनेटर को टी पुट कर रहे हैं हम। क्या लेना पड़ेगा? प्लस वाले को लेना पड़ेगा। बताओ cos x का डेरिवेटिव? वेरी गुड, माइनस साइन x। साइन का डेरिवेटिव? वेरी गुड, इनटू dx, एंड दिस इज इक्वल टू dt। ठीक है, माइनस साइन x प्लस cos x, दिस इज dt। ये यही वाली टर्म तो है, इनटू dx। चाहो तो आप इसको उल्टा लिख लो, पहले cos x की टर्म लिख सकते हो माइनस साइन x, हालांकि 12th क्लास में इतनी कोई जरूरत होती नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट इतना तो समझ ही जाओगे। ठीक है, cos x माइनस sin x इंटू dx किसके इक्वल आ गया? dt के इक्वल। सो न्यूमरेटर हमारा क्या बन गया बताओ जरा? बताओ न्यूमरेटर क्या बन गया? dt अपॉन t। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? log of mod t plus c, log of mod t plus c। t की वैल्यू डाल दें
बताओ क्या है टी की वैल्यू? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। समझ आया? ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, है ना? का तो भाई बड़ा मुश्किल सा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 21। बताओ 21 में क्या है? 21 है बच्चों इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, बताओ क्या करेंगे? क्या कोई बच्चा बता सकता है इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें? बहुत इजी है, ज्यादा लंबा नहीं है, एक स्टेप का ही समय। यूट्यूब शॉर्ट्स में ये काम आएगा बनाने में, ये क्वेश्चन। साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या करेंगे बच्चों, जरा देखो। आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, बच्चों इस कॉस को आप क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? डी एक्स। और बच्चों हम जानते हैं साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, क्या बन गया? पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बताओ अब इसका इंटीग्रेशन, पाई बाय टू का इंटीग्रेशन पाई बाय टू इंटू एक्स, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, हो गया। ठीक है बच्चों, पहले हम 22nd क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले 23 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं पहले। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों हमने पहले भी किए हैं, क्या आप बता सकते हो कैसे होगा? कौन बताएगा? कमेंट्स में लिख के भी बता सकते हो। यस, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड करो, सेपरेट लिखो डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर्स की दोनों टर्म्स के नीचे डिनोमिनेटर को सेपरेट लिखना है। ठीक है, ये समझ आया? यहां पर बच्चों साइन स्क्वायर से आप साइन स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, क्या बचेगा? माइनस। यहां पर बताओ कॉस स्क्वायर से आप कॉस स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, क्या बचेगा? डीएक्स। अब बताओ जरा कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट? बच्चों वन अपॉन कॉस स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, इसलिए इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख लेंगे? सेकेंट स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर को क्या लिख लेंगे? कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स। डीएक्स बताओ जरा, अब सेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स। सबको पता है ना सेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? माइनस कॉट एक्स, माइनस मत भूल जाना बच्चों, प्लस सी। ठीक है ओके, क्या बन गया ये? टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बच्चों जरा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स अपॉन क्या है? कॉस स्क्वायर ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स। कौन बच्चा बताएगा ये क्वेश्चन? क्या कोई बच्चा बताएगा?
बता सकते हो बच्चों, क्या किसी टर्म का डेरिवेटिव है यहां पर? यस, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव बच्चों यही होता है। क्या पुट करेंगे बताओ जरा, पुट ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टी, ए टू द पावर एक्स नहीं बच्चों, ए टू द पावर एक्स इन टू एक्स, इसको टी पुट करना है। बताओ इस पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, ए टू द पावर एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव करेंगे जो क्या होता है 1 प्लस एक्स एज इट इज ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स ही होगा इन टू डी एक्स, डी एक्स कंप्लीट के साथ लिखना है इसलिए ब्रैकेट यूज करोगे, दिस इज इक्वल टू डी टी, करेक्ट। ए टू द पावर एक्स यहां से कॉमन ले लें, यहां से e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा इन टू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी, करेक्ट। क्या कर दें, डी टी ये कंप्लीट टर्म तो क्या बन गई, डी टी बन गई डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, सो दिस इज कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं secant square, secant square t dt, बताओ जरा secant square का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t tangent of t plus c, t को अगेन रिप्लेस कर दें वापस, क्या पुट किया था t को e to the power x into x plus c, ठीक है बच्चों समझ आया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब करते हैं 22nd को, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रल I इज इक्वल टू, ध्यान से समझना है इसको, कॉस ऑफ x माइनस a इंटू कॉस ऑफ x माइनस b इंटू डी एक्स, देखो जरा क्या करेंगे बच्चों बताओ, कौन बच्चा बता सकता है, बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कैसे होता है, ऐसे कुछ चीजें इसमें याद रखनी पड़ेंगी आपको। देखो एक तो आपको क्या करना है इसमें, क्या करना है इस x माइनस इन दोनों एंगल्स को देखना है, ठीक है, सबसे पहला काम है इन दोनों एंगल्स को देखना, और आप इनको माइनस करके देखो, x माइनस a माइनस x माइनस b, इनको माइनस करके देखो क्या बनता है, x माइनस a माइनस x प्लस b, ठीक है, ये इससे कट हो जाएगा b माइनस a, तो एक तो ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है b माइनस a, एक तो इस टर्म को स्पेशल ध्यान रखना है, अच्छा दूसरा बच्चों अब आपको देखना है यहां पर जो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये क्या है, इनमें आपको देखना है कि दोनों सेम है या अलग अलग है, जैसे यहाँ दोनों कोस हैं यानी कि दोनों सेम है, दोनों साइन भी हो सकते थे तब भी दोनों सेम होते, या एक साइन और एक कोस हो सकता था, वो चाहे पहले वाला साइन हो बाद वाला कोस हो या उसका उल्टा, पहले वाला कॉस हो बाद में साइन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, या तो दोनों सेम हो जैसे कि इस क्वेश्चन में है कॉस कॉस, या दोनों साइन साइन हो वो तो आ गया सेम वाली कैटेगरी में, या दोनों अलग हो मतलब एक साइन हो और एक कॉस हो, ठीक है, अभी मैं डिस्कस करता हूं पहले दोनों सेम है वो वाला केस, दोनों कॉस है इसमें या दोनों साइन हो तो क्या करना है, देखो जरा बच्चों एक तो वो टर्म जो हमारी बी माइनस ए आई है इसका ध्यान रखना है, और एक ध्यान रखना है कि दोनों नीचे लाइक टर्म है कॉस है, सो ऐसे केस में आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, किससे मल्टीप्लाई करोगे साइन से, और साइन के एंगल में ये वाली टर्म लोगे बी माइनस ए, साइन ऑफ बी माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अच्छा अब एक बात सुनो, इस बी माइनस ए में एक्स तो कहीं नहीं है इसलिए ये कॉन्स्टेंट टर्म है, क्या है ये कॉन्स्टेंट, अगर इसमें x होता तो ये कांस्टेंट नहीं रहती,
लेकिन अभी क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो हमने मल्टीप्लाई किया है तो हम डिवाइड करेंगे इस सेम टर्म से, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे, लेकिन डिवाइड हम आउट ऑफ इंटीग्रेशन के, आउट ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन के साइन से बाहर करेंगे। क्यों? कांस्टेंट टर्म है, अंदर भी लिख सकते हो बाहर भी लिख सकते हो, एक्स होता तो बाहर नहीं लिख सकते थे, एक्स होता तो बाहर नहीं लिख सकते थे, फिर आपको अंदर ही रखना पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिखा जा सकता है, ठीक है, वेरिएबल को आप बाहर नहीं निकाल सकते। सो आपने साइन बी माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और डिवाइड भी कर दिया, और नीचे आपका क्या है बताओ जरा, नीचे क्या है, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है, चले आगे। हम मुझे बताओ जरा, वन अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए इंटू, अब बच्चों इस टर्म को ध्यान से देखो, साइन बी माइनस ए, और एक बात बताओ मुझे, ये बी माइनस ए किसके इक्वल है, ये बी माइनस ए किसके इक्वल है, देखना जरा वहां पर, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो क्या इस b माइनस ए के जगह में वो नहीं लिख सकता, इस b माइनस ए के जगह में वापिस x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी ये लिख सकता हूं क्या, ठीक है, अपॉन cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं किया, क्लियर है यहां तक, देखो जरा इसको मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं, लाइक ए, और इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे हम, लाइक बी, एक्स माइनस ए को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, ए की तरह से, और एक्स माइनस बी को हम कैसे ट्रीट करेंगे, दिस इज इक्वल टू, बच्चों न्यूमरेटर में आप साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करो, ए आपको किसको ट्रीट करना है, एक्स माइनस ए को, बी आपको किसको ट्रीट करना है, एक्स माइनस बी को, बच्चों ये क्या बन जाएगा, साइन ए, साइन सॉरी ए नहीं लिखते हम, वही लिख देते हैं, साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस, आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, साइन एक्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या आएगा यहां पर, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए एंड साइन ऑफ एक्स माइनस बी, समझ आया आपको, देखो जरा डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, यहां पर क्या है, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी dx, समझ आए आपको, वन अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए, वन अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए, दिस क्या ही ठीक है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई, बची हुई टर्म्स को हमने लिख लिया। अब देखो बच्चों जरा, दिस इज इक्वल टू,
आई इज इक्वल टू वन अपॉन, बाहर क्या है बच्चों साइन बी माइनस ए, साइन बी माइनस ए इंटू, बच्चों ये टर्म क्या बन गई बताओ जरा, टेन एक्स माइनस ए, क्या बन गई टेन एक्स माइनस ए, माइनस सेकेंड वाली टर्म क्या बन गई माइनस टेन एक्स माइनस बी, समझ आया। समझ आया बच्चों, क्या आप लोगों को टेन का इंटीग्रेशन याद है बताओ क्या था, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी, या फिर माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। अच्छा बच्चों मैं एक काम और कर रहा हूं, ये b माइनस ए मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको a माइनस बी बनाना चाहता हूं, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन ऑफ माइनस ऑफ a माइनस बी लिखने ऐसा, ठीक है। बस थोड़ा सा मन कर रहा था इसलिए कर दिया, ठीक है। अच्छा बच्चों टेन का इंटीग्रेशन कॉस की टर्म में बताओ, माइनस लॉग मॉड ऑफ क्या बनेगा, कॉस एक्स माइनस ए, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए। अच्छा टेन बी का क्या, इसका क्या बनेगा माइनस, अच्छा एक माइनस तो ये पहले से ही है, एक इसके इंटीग्रेशन में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी और प्लस सी, क्या समझ आया आपको, टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, एक्स के जगह एक बार हमारे पास एक्स माइनस ए था और एक बार हमारे पास क्या था बी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू वन अपॉन, बताओ जरा यहां पर बच्चों साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, होता है कि नहीं होता, तो क्या हम इस माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते, और बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, और क्या ऊपर से भी हम एक माइनस बाहर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं न्यूमरेटर से यहां से और यहां से एक माइनस बाहर निकालते हैं, तो ये माइनस बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग ऑफ मोड कॉस एक्स माइनस ए, ये समझ आया, माइनस बाहर निकल गया, माइनस बाहर निकलेगा तो यहां क्या हो जाएगा नेगेटिव, लॉग ऑफ कॉस मॉड ऑफ एक्स माइनस बी, समझ आया। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये बताओ जरा लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ बताओ जरा, लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, लॉग एम कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहां पर, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ m अपॉन n, ठीक है। तो m क्या था, ये कंप्लीट टर्म क्या थी m, और ये वाली कंप्लीट टर्म क्या थी, ये मोड यहां पर थोड़ा सा गलत लग गया ना,
मोड यहां होना चाहिए, ठीक है, यहां पर एक नॉर्मल ब्रैकेट यूज करो, ठीक है। तो यहां पर m ये था और m ये वाली टर्म थी, सो m अपॉन n बन गया, ठीक है, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन होगा। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा बच्चों आपको, आगे के इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, बिगनिंग वाला थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे ये b माइनस a को सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास इस टाइप की सिचुएशन होगी ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं ऐसा ही आपको, ठीक है, वहां पर मैं दो चेंजेस करता हूं, देखो क्या चेंज करता हूं। जो दो चेंजेस मैंने आपको बताए, आई इज इक्वल टू, ये कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, दो चेंजेस हम कर लेते हैं, वन अपॉन, एक तो मैंने आपको जो अभी क्वेश्चन किया उसमें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स क्या थी बच्चों, नीचे सेम थी, ऐसे ही आप जैसे दोनों कॉस की टर्म थी दोनों साइन की भी हो सकती हैं, ठीक है, बट मैं आपको वो सेम वाली नहीं दे रहा हूं, मैं डिफरेंट वाली दे रहा हूं जिसमें क्या हो, एक साइन और एक कॉस हो। तो जैसे मैंने आपको दिया साइन ऑफ ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी नहीं, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस, एक्स माइनस ए, ठीक है, इंटू कॉस, और इसको मैं बदल रहा हूं एक्स प्लस बी कर रहा हूं, ठीक है, ये वन अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अप्रोच आपको वैसे ही करना है, सबसे पहले नीचे जो दो एंगल हैं, या थोड़ा सा मैं एक बार यहां चेंज कर दूं, मैं यहां पर, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर मैं प्लस कर रहा हूं या माइनस कर रहा हूं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक माइनस साइन को एलिमिनेट करने के लिए किया मैंने, कि बार बार एक माइनस साइन आता रहेगा वरना क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों को माइनस करना है, एक्स माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए माइनस ठीक है, माइनस ओपन करेंगे तो ये बनेगा, ये यहां से कट हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, एक मिनट बच्चों, ये प्लस था, ए प्लस बी, एक तो आपको इस ए प्लस बी को ध्यान रखना है, ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किस टर्म से करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने साइन से मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करेंगे तो किस टर्म से करेंगे बच्चों, अगर डिनोमिनेटर में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो, चाहे साइन हो या कोस हो, तो मल्टीप्लाई करना साइन से, और अगर नीचे के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स क्या हो, डिफरेंट हो, एक साइन हो एक कोस हो, तो आपको करना है कोस से मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन में आप करेंगे कोस से मल्टीप्लाई, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, कॉस ऑफ ए प्लस बी से आप डिवाइड करो, ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन दिस, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, सब एज इट इज, ठीक है, चले आगे। क्या करेंगे बताओ जरा, इस ए प्लस बी को अगेन क्या लिख देना है, इसी से बनाया था वो ए प्लस बी, तो वापस वही लिख दो, क्या लिखोगे, कॉस ऑफ एक्स प्लस ए माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी,
और नीचे क्या है? ओपन करो बच्चों न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे बताओ जरा। कॉस एक्स प्लस ए, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी प्लस साइन प्लस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे सेपरेटली लिख देते हैं। क्या है डिनोमिनेटर? साइन ऑफ एक्स प्लस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, और यहां पर भी क्या है? साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों बताओ जरा। cos x माइनस बी कट हो जाएगा, sin x प्लस ए ये भी कट हो जाएगा, क्या बाकी बचेगा? cos अपॉन sin, cot x प्लस ए, cot एक्स प्लस ए प्लस साइन टेन, सॉरी क्या बनेगा यहां पर? साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा? टेन एक्स माइनस बी। बताओ जरा इसका इंटीग्रेशन। कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? लॉग मॉड साइन ऑफ ए प्लस बी, यही एक्स प्लस ए। ठीक है, और टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस, माइनस कर दें या सीकेंट? माइनस लॉग ऑफ कॉस, कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, so I is equal to फाइनली क्या बन गया इंटीग्रेशन हमारा? वन अपॉन कॉस ए प्लस बी, वन अपॉन कॉस ए प्लस बी। इसको क्या लिख सकते हो बच्चों? लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन, log m, m के जगह बताओ क्या है? साइन x प्लस ए, और n के जगह क्या है? cos x माइनस बी प्लस सी। ठीक है,
ये इसका इंटीग्रेशन होगा। क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले जैसा ही है, बस कुछ टर्म्स चेंज किए हैं, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि नीचे अगर दोनों टर्म एक जैसी है, साइन है दोनों या कोस है, तो यहां पर मल्टीप्लाई करना है आपको साइन से, ठीक है। और नीचे अगर दोनों टर्म डिफरेंट है तो आपको मल्टीप्लाई करना है कोस से। अदरवाइज पता है क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो, ऐसा नहीं करेंगे तो होगा क्या कि एक बार तो आपकी दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, एक बार तो आपका ये पूरा कैंसिल होकर वन आ जाएगा, और यहां पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा सेकंड वाले में, तो फिर इस सेकंड वाले को इंटीग्रेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कर लोगे हमको, इसको करके देखना दोबारा से, ठीक है। इस एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन तो नहीं बचा हमारा, और एक बच्चों इसको एग्जांपल भी आपको कर लेने हैं, वैसे है नहीं कोई एग्जांपल ऐसे खास, ठीक है। चलो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा।